हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो हेलो, आई एम अंशिका। और अगर आप मुझे जानते हैं अच्छे से तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी नोन टॉपिक है, इस वी नो अबाउट स्क्रब्स, बट हम बहुत कुछ जानने के बाद भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो जो बहुत कुछ नहीं जानते हैं मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। क्या है ना कि हम स्क्रब की जब भी बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, फेस स्क्रब। हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं, क्यों करते हैं? अब स्क्रब का काम क्या होता है? बेसिकली हमारी जो स्किन होती है उस पर हम मेकअप अप्लाई करते हैं या नॉर्मल मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के कारण और यूवी रेस के कॉन्टैक्ट में आने के कारण हमारे ना स्किन के कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेड स्किन लेमन लैंग्वेज में। तो क्या होता है कि वो सोप से एकदम अच्छे से क्लियर नहीं हो सकती है। उसको अगर हम डेड स्किन को रिमूव करना चाहते हैं तो हमको स्क्रब का यूज़ करना पड़ता है। सो स्क्रब का बेसिकली काम आपकी डेड स्किन को रिमूव करना, पोर्स को क्लियर करने का होता है। जैसे हमारे स्किन को, फेस स्किन को स्क्रब की ज़रूरत होती है, वैसे ही सेम हमारी बॉडी स्किन को भी स्क्रब की ज़रूरत होती है। इफ़ यू वांट चिकनी चिकनी स्मूथ स्मूथ स्किन, तो उसके लिए आपको हाथों पे पैरों पे भी बॉडी स्क्रब करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन फॉर योर बॉडी एंड योर फेस। तो मैं आज जिन टॉप 3 स्क्रब्स के बारे में बात करने वाली हूँ, बॉडी स्क्रब्स, जो अकॉर्डिंग टू मी दे आर वेरी नाइस, वेरी एक्सफोलिएटिंग फॉर योर बॉडी। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ विद द फर्स्ट, जिसको मैंने थर्ड प्लेस पे रखा है, वो है एवर यूथ का नेचुरल एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब। देखो, स्क्रब की क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें कुछ ग्रेनुअल्स होने चाहिए, बेसिकली कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होने चाहिए जिसको तुम रब करो स्किन पे, तो वो रब होके उस डेड स्किन को निकालने के लिए केपेबल होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें वॉलनट स्क्रब है। यू नो दैट वॉलनट इज़ वेरी नाइस। वॉलनट क्या होता है? वॉलनट को अगर स्मॉल इसमें वॉलनट को दिया हुआ है, ये ब्लैक हेड डेड स्किन सेल्स को निकालता है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ तो इसमें वॉलनट के अलावा अगर मुझे जो जो मिलता है वो है, या इट्स इट हैज़ उरुमाना ऑयल एंड ऑल्सो आलमंड ऑयल। ऑयल का ये चीज़ होता है कि ऑन सेम हैंड हम स्क्रब कर रहे हैं तो ऑयल बेसिकली हमें हमारी स्किन से मॉइस्चर को ख़त्म नहीं होने देता है, एकदम से ड्राई नहीं होने देता है हमारी स्किन को। तो ये इसके बारे में एक अच्छी चीज़ है, इसलिए मैंने इसको थर्ड प्लेस पे रखा है। नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस, इसका प्राइस है फॉर 50 ग्राम इट्स 65 रुपीज़। सो इट्स नाइस, यू कैन यूज़ इट। और स्क्रब को, बॉडी स्क्रब को हमें मिनिमम वीकली एक बार यूज़ करना चाहिए, एंड यू कैन यूज़ इट 2 times ऑल्सो, इट्स अप टू यू इफ़ यू हैव टाइम। मिनिमम आप एक बार यूज़ करो वीक में स्क्रब फॉर बॉडी स्क्रब। अब मैंने जिसे सेकेंड नंबर पे रखा है, दैट इज़ ऑल्सो, एक्चुअली मैं आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड वेदर इट शुड कम इन सेकेंड और फर्स्ट, बट आई हैव केप्ट इन इट इन सेकेंड। दिस इज ओरिफ्लेम मिल्क एंड हनी स्क्रब। मैं बता नहीं सकती हूँ, ये स्क्रब लिटरली बहुत ही अच्छा है। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली, इसमें जो मैं अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ तो इसमें ग्लिसरिन है, इट हैज़ हनी, इट हैज़ शुगर स्क्रब, बिकॉज ये एक शुगर स्क्रब है। हमें भी पता है कि शुगर स्क्रब जो होता है वो डेड स्किन, शुगर बहुत ही एक अच्छा इंग्रेडिएंट है डेड स्किन रिमूव करने के लिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आप नॉर्मली अगर DIY यूज़ करो तो आप शुगर को लेमन के साथ मिला के एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली ये इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, प्लस इसका आपको इफेक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकेंड यूज़ आपको दिखने लगेगा, ये इतना अच्छा है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करो, इतना ज़्यादा हार्श बड़े ग्रैनुल्स नहीं है, तो यू कैन यूज़ इट ऑन फेस ऑल्सो, बट नॉट सो हार्शली, जेंटली आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे तरफ से तो दिस इज़ अ बिग थम्स अप, आप इसको एक बार तो एटलीस्ट ज़रूर यूज़ करो, एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड ओरिफ्लेम। इसका आई थिंक द पैकेजिंग साइज इज़ 200 ml,
और इसका कॉस्ट आई डोंट रिमेम्बर द कॉस्ट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बता दूंगी इसके बारे में. अब आखिरी जिसे मैंने फर्स्ट पोजीशन में रखा है वो अगेन मेरे फेवरेट 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 ब्रांड से है, दैट इज बॉडी शॉप. यस, बॉडी शॉप का द स्ट्रॉबेरी सॉफ्टनिंग बॉडी पॉलिश, ये मैंने फर्स्ट पे क्यों रखा है, बिकॉज इस स्क्रब की जो क्वालिटी है ना, ये स्क्रब तो करता है साथ ही साथ आपको प्रॉपर स्मूथ फिनिश देता है आफ्टर वॉश. बहुत ही अच्छा फिनिश है इसके, जो ग्रैनुल्स हैं दैट आर नॉट हार्श ऑन योर स्किन, नॉट एट ऑल हार्श. और इसको वॉश करने के बाद आप लिटरली यू विल फील द चेंज, यू विल फील द चेंज इन योर बॉडी. और अगर आप कंटिन्यूसली इसको वन मंथ से लेके फाइव सिक्स मंथ यूज़ करते हैं ना, तो यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन योर बॉडी. और इसका या इसका 200 ml का कॉस्ट है 625 rupees. आई नो इट्स ऑन अ लिटिल बिट हायर साइड, बट इसके रिजल्ट्स भी उसी तरीके के हैं, दैट इज़ वेरी नाइस. सो आप तीनों में से कोई भी अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू या बिकॉज आई हैव बाइफर्केटेड ऑल दीज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑल्सो, सो आप अपने हिसाब से ले सकते हो. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल योर फ्रेंड्स. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ गर्ल्स को ही बॉडी स्क्रब की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है. बॉयज़ कैन ऑल्सो यूज़, बिकॉज योर बॉडी ऑल्सो कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ सन, आपके भी डेड स्किन्स हो सकते हैं बॉडी में. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये सिर्फ गर्ल्स यूज़ करती, नो यू कैन ऑल्सो केयर बिकॉज इट्स योर बॉडी. केयरिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर बॉडी एंड दैट विल रिटर्न टू यू. सो बॉयज़ यू कैन ऑल्सो यूज़ इट. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर